हाय दोस्तों, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज लेकर आए सैमसंग गैलेक्सी A03S, जो दोस्तों इसमें चार्जिंग लगा रहे हैं, चार्जिंग नहीं हो रहा है। कस्टमर बता रहा है दोस्तों, कोई दुकान में हम दिए हुए थे रिपेयरिंग करने के लिए, दोस्तों इसमें चार्जिंग जेक लगा के देखा है दोस्तों, इसमें फिर भी चार्जिंग नहीं हो पा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को किस तरीके से इसको रिपेयर करना है, ताकि दोस्तों बिल्कुल जम्पर के तरीके से हम आपको बताएंगे और ठीक करके भी दिखाएंगे। पहले दोस्तों आपको चेक करके दिखा देते हैं। देखिए लॉक खुल गया दोस्तों, लॉक खुलने के बाद से वेट करें, चालू हो गया। चालू होने के बाद से देखिए चार्जिंग हम लगाते हैं, अरे तो दोस्तों यहाँ पर 3% है, देखिए चार्जिंग नहीं ले पा रहा है। दोस्तों चार्जिंग जैक चेंज करके देखा है दोस्तों, फिर भी चार्जिंग नहीं ले रहा है, तो सबसे पहले तो सेट को खोलना पड़ेगा आपको। दोस्तों इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करें दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि दोस्तों आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों सारा स्क्रू इसमें खुला हुआ है, खोल सकते हैं। देखिए स्क्रू खुला हुआ है, पीछे तरफ खोले और चार्जिंग बोर्ड को पहले बाहर निकालें। देखिए चार्जिंग बोर्ड बाहर निकाल दिया, चार्जिंग जैक लगाया है न्यू। सबसे पहले दोस्तों इसमें वोल्टेज हम चेक करेंगे, 5 वोल्ट दोस्तों आना चाहिए, तभी दोस्तों आपका फ़ोन चार्जिंग होगा। और दोस्तों यहाँ पर 5 वोल्ट अगर आ रहा है तो आगे भी आगे 4-5 वोल्ट जाना चाहिए। तब तक दोस्तों मेरे चैनल आप लोग पहली बार आए तो एक बार सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। दोस्तों फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक करना कभी ना भूले। देखिए लगा दिए दोस्तों, 4 नंबर पिन पर माइक साइड से इसमें वोल्टेज निकालता है, 4 नंबर गिन ले अपने से। देखिए 5 वोल्ट निकाल रहा है। अब दोस्तों इसमें आगे वोल्टेज नहीं जा पा रहा है। अगर दोस्तों आपका भी पास में सैमसंग गैलेक्सी फोन है तो इसे लगा दिए, चार्जिंग लगाते हैं। चार्जिंग लगाने के बाद से एक बार चेक करते दोस्तों वोल्टेज कितना आ रहा है वहाँ पर। देखिए दोस्तों वोल्टेज नहीं आ रहा है। चार्जिंग जैक को बाहर कर ले, 4 नंबर पिन में दोस्तों जम्पर करें। जम्पर वायर ले ले लंबा सा, जैसे कि पीसी बोर्ड से मदरबोर्ड तक जा सके। दोस्तों माइक देख सकते हैं, जिस साइड में उस साइड में 4 नंबर, हेडफोन के साइड में 4 नंबर में आपको जम्पर करना है। जम्पर हो गया, अब इसमें आपको आपको दिखाएं दोस्तों कहाँ पर करना है। देख सकते हो पॉइंट दिख रहा है दोस्तों का, इसका पत्ता है जो सो डिस्प्ले से ही कनेक्शन किया हुआ है, इसलिए दोस्तों आपको इस तरीके से नहीं करने से डिस्प्ले ही चेंज करना पड़ेगा। क्या दोस्तों वोल्टेज ऊपर नहीं जा पा रहा, जिसका मतलब जो पत्ता है वो ख़राब है।
दोस्तों जम्पर करके इसको आसान तरीके से ठीक कर सकते हो। दोस्तों ये समस्या डिस्प्ले बदलने के बाद से ही होता है अक्सर, अगर इस तरह का फ़ोन है तो। देखिए लगा दिए, अब तो चार्जिंग ले लिया देख सकते हैं। चार्जिंग ले लिया, अब स्विच ऑफ करके आपको दिखाते हैं नज़दीक करके। मॉडल नंबर पहले चेक कर ले, तो सर आपको मॉडल नंबर हमने दिखाए, देख सकते हैं मॉडल नंबर क्या है, सैमसंग गैलेक्सी A03S। अगर आपका पास है तो सारा डिस्प्ले चेंज किए हैं तब से चार्जिंग नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से जम्पर करके आसानी से इसको ठीक कर सकते हो। चलिए इसको पहले स्विच ऑफ कर लेते हैं और पहले आपको चेक करके दिखाते हैं स्विच ऑफ में होता है कि नहीं होता है। दोस्तों आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बोलें, और आपका फ़ोन बना कि नहीं वो भी कमेंट करके ज़रूर बोलें। देखिए दोस्तों चार्जिंग ले लिया है, वेट करें आपको दिखा। देखिए दोस्तों चार्जिंग ले लिया। दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों रिपेयर करके आराम से जम्पर करके ठीक कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।